रेडी मेरा कुछ ज्यादा लाइट से नहीं लग रही चेहरे पे ना जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का दिन के ऑनलाइन पोर्टल पर हमें रोहित वैद्वान आप हैं हैश बच्चा पार्टी और दिन का है यूट्यूब चैनल क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान एग्जाम सीरीज मंत्र से है सीरीज समय बजा है तीन बजकर चौदह मिनट आप लोग आ चुके हैं लाइव हम करेंगे क्लास शुरू अब कुछ बचा बोलने के लिए खत्म सब चलो है भाई स्वैग के साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद बस ऐसे ही नाम रोशन करते रहो अपना भी देश का भी लगे रहो ऐसे जय हिंद भाई एक बार में तुम लोगों को देख लो दिखा दो भाई आकाश जी धन्यवाद जिनको को बुक मिल गई चलिए तो करें शुरू एक बार लाइट का देख लो किसी को थोड़ा सा देखने में देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हम्म अभी लाइट था अब ठीक है गुड आफ्टरनून भाई आपको बुक मिल गई तुम्हें बुक बुक मिलती रहती है वहां जाके दो शब्द नहीं लिखे जाते तुमसे हाँ बेटा ब्राइटनेस कम कर रहे हैं ये मेरे कोई गायब कर देगा एक दिन क्लास से पहले चेक किया करना नहीं आज क्विज वाला कल कर शाम वाली क्लास में करेंगे दिन में एक बार क्या करेंगे सीडीपी वाली में आ, एक दो दिन के बाद ऐसे डेज रोज रोज नहीं ठीक है ब्राइटनेस कम होगी जरा देख लो एक बार हा? हो गया ना देख लो जरा सब ठीक ठाक हो गया क्या आज तो मेरे को ज्वाइन करना था ठीक है शाम को करा देंगे ज्वाइन कितने बजे नौ बजे तो आज शाम को नौ बजे मिलना वहां ज्वाइन करेंगे आज सीडीपी की क्लास में ज्वाइन नहीं होगा है ना क्विज वाला क्या होगा आज शाम को नौ बजे मिलेंगे मेंटीमीटर पर और उस मेंटीमीटर में तुम लोगों को क्या होगा मैं कोड पहले ही अवेलेबल करा दूंगा ठीक है पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड करा देंगे है ना बेटा अभी ना प्रीतियाज बनाई नहीं मैंने है ना वो हुआ क्या कि मेरे को टाइम नहीं मिला तो उस पर ना पूरा टाइम लगता है बनाने के बाद तो उसमें थोड़ा सा टाइम आ गया और पुलिस अरे हाँ हाँ पक्का चिंता ना करो क्विज होगी क्विज बिल्कुल मना नहीं होगी क्विज चलेगी ठीक है कोड बेटा आज नहीं कोड आपको कल मिलेगा ठीक चलो मतलब आज शाम की नौ बजे वाली क्लास में है उस टाइम करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं भाई आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट वन लाइनर भी है और ये भी तो क्या है आज की क्लास का पहला सवाल देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर आप लोगों के लिए ये रहा आज का पहला सवाल स्क्रीन पे बिल्कुल अब साफ दिखेगा अब कोई क्या हो रहा है ये कलर कैसे जा रहे रहे हैं चलो हाँ टेलीग्राम पे कोड भिजवा दिया ऐसा करेंगे टेलीग्राम पे कोड भिजवा दिया करेंगे तुम पहले से रेडी रहना उसके लिए हाँ थोड़ा सा चलिएगा तो आज है सवाल नंबर टू एटी वन कहता है आपसे ये कि एक क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हूं आपको बताना है रचनात्मक शिक्षार्थी को संदर्भित करने वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर वन वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग दूसरा है हाईली इंटेलिजेंट तीसरा है कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क इन टेस्ट सो लास्ट कहता है गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सोलिंग बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब बेटा मेंटीमीटर का कोड अगली बार आ, शाम वाली क्लास में करेंगे है ना दिन में एक कर लिया ताकि टेंशन ना हो कुछ लोगों को जल्दी बताइएगा डन तो यहाँ ऑप्शन में कोई दे रहा है सी है कोई जवाब डी को दे रहा है अलग अलग जवाब आ रहे हैं फिलहाल तो देख लेते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होगा इस सवाल का सही जवाब आप लोगों का क्या है देख लेते हैं ना चलिएगा पहले तो जितने लोगों ने जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर डी के अलावा वो सारे गलत हैं कुछ लोगों ने जवाब दिया यहां पर कि सर वेरी टैलेंटेड ड्राइंग पेंटिंग किसी सब्जेक्ट से लेकर नहीं था तो कट हो गया हाईली इंटेलिजेंट ही क्रिएटिव होगा ये गलत बात होगी तीसरा कहता है कैपेबल ऑफ स्कोर हम जानते हैं हम स्कोरिंग पे बात नहीं करते क्योंकि हमारे लिए नंबर मायने नहीं रखते हमारे लिए मायने रखता है समझ जैसे मेंटीमीटर में हमने क्या बोला था कि हम ये देखते हैं कि आप कितनी स्पीड के साथ करते हैं लेकिन ये नहीं देख रहे कि, कि किसका स्कोर ज्यादा है बस हम उसमें स्पीड बढ़ाने का काम यहां पर आता है गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग अब मेरा सवाल आज की क्लास में पहला ये है कि आप ये बताइएगा मुझे कि ये जो लेटरल थिंकिंग होती है जो पार सोच इसे आप बोलते हैं ये क्या होती है ये क्या होती है ऑप्शन में कमेंट में जल्दी बताइएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सबको पता है बस ये बताना है कि जो थिंकिंग होती है ये क्या होती है क्या होता है बताइएगा जल्दी है ना जिन्होंने पहले दिया वो अलग वो बेस्ट था अरे कोई बात नहीं कल ले आओ चिंता मत करो बेटा आज मेरे को ना टाइम नहीं मिला बनाने का उसमें ना बनाने में आधा पौना घंटा लग जाता है शिल्पा हा? हां उसमें ना शाम में नौ बजे करेंगे नौ बजे करेंगे है ना पक्का पक्का अभी आज इसे ऐसे चला लो शाम में करेंगे बिल्कुल तुम लोगों का मैंने रिस्पांस देखा था उसे कंटिन्यू रखेंगे टेंशन ना लो तुम देखो जहां पर भी आ जाते हैं ना बिल्कुल अब ना बेटा जहां क्रिएटिव लिखा हो और जहां ये वाला वर्ड लिखा हो तो दोनों को एक तरीके से समझना सेम ही होंगे बस याद रखना अगर किसी ऑप्शन में क्रिएटिव लिखा हो और किसी पे लेटरल भी लिखा हो तो मेरा ना जो ज्यादा डबल टिक चला जाएगा वो इस ऑप्शन के साथ चला जाएगा क्यों क्योंकि इसमें ना आप पॉसिबली जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो तो शामिल होती होती है आप कई तरीके से इनडायरेक्ट वे में भी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं आपके पास ना सिर्फ एक चीज का एक ही तरीका नहीं होता सोचने का आप उसमें कई तरीके से जब थिंकिंग को डेवलप करना शुरू कर देते हैं या जिसमें आप सीधी बात है क्रिएट करना शुरू कर देते मतलब आप किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करते आप चीजों को क्या करते हैं आप नए तरीके से जनरेट करते हैं कि अब चीजों को कैसे समझा जाए किरण बिल्कुल सही है मेरे बच्चे कि इनडायरेक्ट और क्रिएटिव वे होता है कारने से पहले सोचना बहुत बढ़िया साबास बात तो देखो जिस क्लास में, में मेरे को लगेगा मेरे को समझाना होगा ज्यादा तो उसमें मैं आपको नॉर्मल इस तरह लेके आएंगे जिसमें लगेगा कि मेन्टीमीटर से चलेंगे वहां उसमें भी तो चिंता ना दिनकल कुमारी मौर्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बेटा जब भी आए तो याद ना उसको हम लेके जाते हैं हमेशा किसके साथ रैशनल थिंकिंग के साथ तो लेटरल में और रैशनल में थोड़ा सा फर्क होता है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा चलेगा आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ पहले सवाल का जवाब डी था दूसरा भी आसान सवाल है स्क्रीन पर आप लोगों के बताइए क्या होगा इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन इसमें ना आप थोड़ा सा समझ के चलना वैसे कई बार हमने समझा रखा है मैंने बता भी रखा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं वो किस तरीके से होंगे बताइए ठीक है चलेगा जल्दी जवाब दीजिएगा क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल मंजू पलारिय बहुत बढ़िया बेटा शाबाश सारे सही चल रहे हो शाबाश एकदम बहुत बढ़िया हाँ ठीक है हाँ श्वेता रैशनल थिंकिंग बेटा अलग है लेटरल थिंकिंग अलग है ए बी सी तीन जवाब आ रहे हैं इसमें थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे बहुत बढ़िया बी की तरफ भी जा रहे हैं सर जी ए को लगाइए सर जी बी को बी को ए को ए को बी को ए और बी में लड़ाई है चलो तो देखें ए बी जीतेगा बी ए जीतेगा कौन है कैसे देख लेते हैं आपके सामने ऑप्शन है देखो ये आप कहते हैं कि इंडिविजुअल जो लर्नर है डिफर होगा वो एक दूसरे से कैसे तो नॉर्मल जो जो नहीं हो सकता उसे हटा लेते हैं सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इसको हटा लेते हैं और जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट इसको हटा लेते हैं दो लोग जवाब दे रहे हैं ए और बी और लगभग जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का सवाल चलता है उसी तरह तुम लोग इसको दे रहे हो जवाब तो यहां पर ना पहला कहता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक मेरे बच्चे इसने ना प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आप जानते हो कि जिसमें हम पढ़ाते हैं देयर इज सम इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एवरी लर्नर तो वो हम पढ़ाते हैं एक जगह लेकिन हमारे लिए जो पूछा गया था कि जो प्रत्येक लर्नर है वो अलग कैसे होता है तो उसके अलग होने का पहले वाला जवाब सही नहीं है उसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विकास की दर कि किस किस में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है किस किस में किस तरीके से सोच बढ़ रही है कोई कोई सवाल जैसे प्रिंसिपल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट सब पे चल रहा है ये तो हम पी का जो पढ़ रहे हैं जी डी ये तो सब पढ़ेंगे लेकिन मैंने कहा एक तो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और एक हम उसके साथ मेंटीमीटर ला रहे हैं तो मेंटीमीटर ना क्वेश्चन सबके लिए है मेंटीमीटर बस हमारी रेट बताएगा कि मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूं मैं थोड़ा कम स्पीड से जा रहा हूं और मेरा ग्राफ क्या जा रहा है नीचे तो जो मेरी रेट है वो मेरे को ये बताते चलेगी हम कितना इसे समझ रहे हैं और कितना नहीं तो इसलिए सवाल के साथ जो सही जवाब हमारा जाएगा वो क्या है ऑप्शन नंबर बी तो जिन्होंने ब्लॉक कर दो सर जी ठीक किस को ब्लॉक कर दे भाई बी को लॉक कर दे अच्छा ब्लॉक और लॉक एक साथ ही आ गया ठीक है ये सही रहा बी को लोक करना और वर्ड क्या बन गया वाह भाई वाह बड़ी नई चीज निकाल के लाए सावाश ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल सही चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू एट थ्री जो आपसे कहता है ये वाली बात क्वेश्चन नंबर टू एट थ्री और आप लोगों से मतलब सलाह भी करनी थी आज मुझे और सलाह जो है ये क्या है दलजीत कौर बेटा मेंटीमीटर शाम को नौ बजे पता चलेगा शाम को नौ बजे पता चलेगा अब मेरी एक बात सुन लो मैं ना आप लोगों के लिए सिक्स टू सेवन डेज क्लास आ रही है लगभग लगभग तो थोड़ा सा ना बच्चों को ये भी आया कि सर थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिल जाए तो हम ये सोच रहे हैं कि सुबह नौ से बारह के बाद आपकी शाम को डायरेक्ट तीन से क्या क्लास शुरू हो जाए तीन से फिर दस तक की तो बीच में जो बारह से तीन का जो टाइम है ये आपके लिए हम क्या कर दें आपका रिविजन का टाइम दे दें या आपके रेस्ट का टाइम दे दें क्लियर है मानोगे चाहिए नहीं चाहिए और मैं भी अपनी क्लास बेटा जो छह दिन लेके आ रहा हूं तो एक बार मैं बता दू यहां पर यह वाला तो हम सोच रहे हैं कि आपको जो क्लासेस हैं आपको जो क्लास मिले मॉर्निंग में नौ बजे से लेके आपको क्लास कितने बजे तक मिल जाए बारह बजे तक यहां तक और उसके बाद 12 से तीन हम एक से तीन कुछ गैप रखें और शाम को फिर तीन बजे से लेके फिर अपना जो शाम का टारगेट चलता है दस बजे तक का वो चलता रहे तो ये आपका रेस्ट टाइम समझो या रिविजन टाइम समझो जो भी आप करना चाहो ये ये सही रहेगा तो बीच में रेस्ट दे दू तुम लोगों को एक बार जल्दी बताओ फिर तुम कहते हो सर जी क्लास कहाँ चली गई सर हमें तो पढ़ना है आशीष बिल्कुल हाँ टाइम चाहिए ना हाँ रिवीजन के लिए तो ये मैंने सोचा कि पूरे दिन पढ़ते रहोगे तो उसमें थोड़ा सा वो होगा तो इस बीच में ना हम टाइम निकाल लेते हैं और उस टाइम से हमारा क्या फायदा होगा कि हम लोग ना थोड़ा रिवीजन अपने दिमाग को क्या दे देंगे रेस्ट तो ये एक नया आइडिया था कि तुमसे पूछ लो डिस्कस करके और बच्चे बस इसी बीच में एक ऑप्शन और था मैं ये सोच रहा था कि जो तीन बजे वाली क्लास है जो सी डी एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली है इज है ना ये वाली मैं अल्टरनेट डे वीक में थ्री डेज ले आऊं तो मंजूर वीक में तीन दिन चाहे तो एमडब्ल्यूएफ एफ ले आते हैं या फिर टी टी एस तो अगर सब लोग हैं तैयार तो या फिर जो तुम बोलो अगर सिक्स के सिक्स डेज तो सिक्स डेज आएगा नहीं तो मैं सोच रहा हूं फिर तीन दिन ले आऊं मैं हाँ या ना बताओ जरा क्या रीजनिंग की क्लास रीजनिंग की क्लास होगी टाइम अलग चेंज हो जाएगा नो 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 यस नो नहीं सर एक सेकेंड ये देखो इसके कलर का क्या चल रहा है ठीक है नहीं सिक्स डेज ही होना है छ शाबाश मेरे बच्चों ठीक है तो एक काम करेंगे फिर ये रिवीजन टाइम दे देंगे आपको बाकी आकाशाप मत अभी से क्लास के बाद करिए छोड़ दे ठीक है चलो कंटिन्यू रहेगा ठीक है दिख रहा है कलर इसके क्या कैसे बलर बलर हो रहा है सर हम पढ़ना भूल जाएंगे ठीक है तो एक काम करेंगे ओके ओके ओके, ओके। मैं डेली होगा जिस दिन छुट्टी होगा मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है तो ये डेली कर लेंगे नेक्स्ट वीक में एक दो छुट्टी रखूंगा मैं इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को चलो तो आ जाओ सवाल नंबर टू पर क्वेश्चन नंबर टू पर देखिएगा क्या है तो टू आपसे पूछता है एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन दैट बस अभी छोड़ दो फिर छोड़ दे भी क्लास के बाद छोड़ दो छोड़ दो बस देख लेना एक बार आधा पोना घंटा छोड़ देगा ठीक है चलो यहां जो सवाल था अरे ठीक है डेली है डेली है डेली है तीन बजे वाली डेली है लेकिन बीच में कैप होगा आपसे पूछा जा रहा है एवली लर्नर यूनिक है तो बताइएगा क्या है आपको भूल जाएंगे कोई बात नहीं एक को डन कर दो ठीक है चलो एक को डन कर देते हैं और लोग कुछ जवाब दे रहे भाई नहीं सर बी को कर दो चलो ए के साथ ज्यादा है हाँ ठीक है यहां देखो जो सवाल आ रहा है तुम्हें पता है कि एवली लर्नर क्या है यूनिक है इसका मतलब क्या है कि देखिए जब यूनिक आ गया तो एक बात तो तय है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते और जो दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते वो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमता और रुचि और प्रतिभाओं के अनुसार एक जैसे नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये बात तो सही लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज दे डू नॉट ऐसा नहीं हो सकता दो लोगों के बीच में कुछ तो कॉमन मिल सकता है इसको हटा देते हैं तीसरा कहता है कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल ये भी गलत क्योंकि करिकुलम ऑलमोस्ट सबके लिए क्या होता है सेम होता है और तीसरा कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन इनट्रोजीनियस क्लास कि ये संभव नहीं है क्षमता को विकसित करना अच्छे काम करते हैं अगर यहां पर इस सवाल को ये तो पता चल गया कि सवाल का जवाब ए है लेकिन अगर इसी सवाल को थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ से आ जाए टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ से लेके चले और यहां पर मैं सवाल कर दू एवरी लर्नर इज यूनिक इज नॉट यूनिक आ जाए इज नॉट यूनिक मीन्स तो क्या होना चाहिए सवाल अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया सत्येंद्र मेरी शुरू हो जाएगी बेटा उसमें ना मेरे जो बाकी टीचर्स उनका एक बार खत्म हो जाए फिर मैं यहां मैंने तुमसे सवाल बदल दिया कि यह पूछा जा रहा है एवरी लर्नर इज नॉट यूनिक मीन्स का मतलब क्या होगा अगर सवाल को बदल जाए ठीक है सतेंद्र राजपूत जी आपका ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल इस बात पर जी डेन डी होगा दब सुगंधा कहती है सर जी प्रीति सर हम्म हाँ सतेंद्र बोल दिया तब जवाब बी होगा डी होगा डी होगा बी होगा बी होगा जी सर बी बी भैया क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा है ना पूछो क्यों नहीं होगा क्योंकि तुम अगर हल्के से सवाल में अरे एक बात बताओ हाँ समझ देख लिया प्राची राजपूत यहाँ देख बेटा है ना तो उसके बाद डी बी में बदल गए तुम लोग ये फर्क है कि तुम लोग पढ़ रहे हो या बी और डी में ये फर्क आ जाता है यहां इन चीजों का कि आप क्या करते हैं आप सवाल को पढ़ते ही नहीं एक बात बताओ इसमें नोट लगाने से भी कौन सा इस सवाल में कुछ चेंज हो गया वो यही तो कह रहा है एवरी लर्नर इज नोट यूनिक इन मींस क्या है कि प्रत्येक लर्नर यूनिक नहीं है इस बात का मतलब क्या है अरे भाई तब भी तो यही बात है कि दोनों दो लर्नर दो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते तो इसमें आप बी सी ओ डी पे कहा चले गए ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल कि तुम लोगों के सामने तुम्हें आदत हो गई इस वाली बात की लो जी आज तो सर ने ऑप्शन में बदल दिया नोट तो इसका मतलब ए तो होने से रहा अब बाकी होंगे भाई एक बात तो देख लो इस बात को उसने यही तो कहा है कि एवरी लर्नर इज नॉट यूनिक मीन्स कि प्रत्येक विद्यार्थी लर्नर यूनिक नहीं है उस बात का अब करो ऐसे माथे ना देखो तुम्हें मैं गुस्से में पसंद नहीं आता ना मुझे तुम्हारी ये बेवकूफी पसंद आती है कि तुम लोग पढ़ो तो लेकिन ध्यान से तो पढ़ो यार फंस गए ना सारे के सारे तो बस सर जी बी होगा सी होगा डी होगा और सारे बेवकूफों की तरह लग गए और सब ने इस सवाल का जवाब बदल दिया तुरंत के तुरंत ही बताओ इस लाइन में और इस लाइन में मतलब क्या था फर्क था कुछ शेफाली शर्मा लाइक कर दो शेफाली लाइक कर देंगे बेटा अभी पढ़ लिया आखिरी आठवें सवाल पे लाइक करवा दो है ना अभी पढ़ा ठीक तो इस बात को समझा करो तुम लोग सारे एक तरफ गधों की तरह लग जाते हो इसीलिए कहता हूं तुम मेरे नलायक हो है ना चलो इधर ध्यान देते हैं तो इस सवाल का दोनों तरीके से ही जो जवाब होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा चलो छा गए सर ठीक है ये घर वाले कहते थे ना पढ़ाई की एक लिमिट होती है ना ना पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती पढ़ाई लगातार ही चलती रहती है जिंदगी भर चलते फालतू तो में धोखा देखे घर वाले कि बेटा अभी पा, आठवीं पास कर ले दसवीं पास कर ले बारहवीं पास कर ले ग्रेजुएशन पास कर ले नौकरी ले ले फनाना जिंदगी में चल रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरह मेरे बच्चे वो है सवाल नंबर टू अरे कुछ मजा आ रहा है हा कि ना ऐसा तो ठीक हो ना तुम लोगों के साथ हाँ की ना बेटा हाँ बताओ रेडी गई वैस पानी में कोई बात नहीं आते रहो सर इंग्लिश पैड है बेटा मेरे गुस्से में प्यार छुपा है ओके चलिए कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी सिद्धांत के रूप में निर्माणवाद है क्या ऑप्शन आपके सामने ठीक है देवांजी सिंह कल मिलेंगे बेटा कल मिलूंगा बच्चे मेरे वहां पे ठीक है कल चलो सवाल का जवाब दो यहां क्या आता है इस सवाल का जवाब कि कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन इम्पिताइज करता ऑन द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड लास्ट सेकंड थर्ड कहता है एम्पोटाइज ऑन मेमोराइजिंग इनफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग तो रिकॉल लास्ट कहता है इम्पोटाइज ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर आसान सवाल है बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हेयर वी गो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू क्यों क्योंकि सब कुछ तो दे दिया इसमें इसने कंस्ट्रक्ट भी दे दिया और इसने मेरे बच्चे ऑन व्यू ऑफ द वर्ल्ड भी दे दिया कि वो अपनी समझ से दुनिया के बारे में जब जानेगा इसका मतलब किसी का रटा रटाया मत जानिएगा जानिएगा अपना क्रिएट किएगा अपना ठीक है अच्छा अगर मैं तुम लोगों से ये बोल दूं कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इज नॉट कहा नहीं है कहा इन चारों ऑप्शन में किस सवाल में सिद्धांत के रूप में निर्माणवाद नहीं है कौन से ऑप्शन के साथ निर्माणवाद नहीं है ऑप्शन में कौन सा ऐसा होगा हम सवाल को बदल देते हैं और बदलते हम ये पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी में इज नॉट ये तो पता चल गया पहले का बी था इस हिसाब से लेकिन बेटा अगर नोट लगा दू तो इस सवाल का जवाब क्या होगा इस सवाल का जवाब क्या होगा जल्दी बताइएगा क्या होगा इस सवाल का जवाब कुछ नया करके चलेंगे बेटा एजुकेशनल साइकोलॉजी है रटा रटाया नहीं होगी तब डी होगा सी होगा ए बी बता रहे हैं लोग डी है सी है चलो देखो तुम लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्रिएट करना कुछ इनोवेट करना कुछ नया करना और दैट दैट शुड बी समथिंग ओरिजिनल मतलब जो कुछ क्या हो ओरिजिनल अब पहले वाले में बेटा डिमिटेट करने वाले पे फोकस करना फिर भी थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ यार कंस्ट्रक्ट करना है तो फोकस करा देखो पहला काम कैसे चल रहा है लेकिन अगर ध्यान दोगे ना तो ये बात याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी में बेटा एक बात फिक्स है कि आपको क्रिएट करना है और कोई भी क्रिएट की जाने वाली चीज कभी जिंदगी में याद नहीं की जा सकती तो इसका मतलब हम ना उसे मेमोराइज नहीं करेंगे तो इसलिए सवाल का दैट टाइम जो जवाब होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तो यहाँ बच्चे जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पे नोट लेके चल रहा है तो जवाब क्या होगा सी और अगर नॉर्मल पूछेगा तो जवाब क्या था ऑप्शन नंबर बी क्लियर है भाई बहुत बढ़िया मोनिका त्रिपाठी बेटा गलत हो गया डोमिनेंट टीचर वाला भी क्या हो गया गलत सही इसका जवाब होगा नोट के टाइम पर ऑप्शन नंबर थ्री और अगर नहीं है नोट तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर भाई हाँ कि ना अरे हाय ना बोलो भाई हाय ना तुम घर पे बैठे बैठे बोल दिया करो तो मम्मी पापा ये पूछे तुम लोग कि किसको बोल रहा है ना ठीक है चलो आगे बढ़ो बढ़े आगे अरे हाय ना तो बोलते ही नहीं तुम ओके यस यस डन चलो नया सवाल देखते हैं फिर नया सवाल है क्वेश्चन नंबर टू एटी फाइव क्वेश्चन नंबर टू डोमिनेंट का मतलब बेटा लिखा तो था ये देर नीचे देख शिक्षक की भूमिका पर जोर देना बस मतलब बच्चा कुछ नहीं है सब कुछ क्या है टीचर ही हो जाएगा और हम टीचर सेंटर्ड नहीं पढ़ते हम चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ते हैं चलिए डी क्यों नहीं हुआ मेरे बच्चे मैंने बता दिया वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड सेंटर क्लास वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ किसके आ, उसमें नहीं होंगे हम कभी टीचर सेंटर्ड पे नहीं चलता हम है चाइल्ड सेंटर्ड क्लियर हाँ चलो सवाल आता है टू एटी फाइव डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी अ पार्ट ऑफ अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से एक हिस्सा है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट बताइए इस सवाल के साथ जवाब क्या होगा इस सवाल के साथ जवाब क्या होगा ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी वी गो विद द राइट आंसर देखते हैं कौन आते हैं 285 सी जवाब आता है ओके फिजिकल डेवलपमेंट सी फॉर कॉग्निटी बी फॉर कोग्नि इंटेलेक्चुअल भी आ रहा है ओ oh, इमिटेट oh. का मतलब होता है बेटा अनुकरण करना कॉपी करना किसी का है ना 285, एट्टी फाइव ए जवाब आ रहा है बी जवाब आ रहा है चलिए चेक कर लेते हैं ए जवाब होगा सही बी जवाब होगा सही या क्या होगा ज्योति कुमारी दीपिका सब कहते हैं सर जी ए को लगाओ किसी ने बोला बी को लगाओ डंके चोट पर आशीष कहता है लड़का कि सर बी को लोक कर दो चले भाई आशीष की बात मान लेते हैं और आशीष बिल्कुल सही भी है तो जो भी लोग इस सवाल का जवाब डी दे रहे हैं वो भी गलत फिजिकल डेवलपमेंट दे रहे हैं वो भी गलत इमोशनल दे रहे हैं वो भी गलत यहां पर इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल या आपके सामने अगर ऑप्शन में कोगनेटिव लिखा होता वो भी क्या हो जाता सही जवाब तो जितने लोगों ने बी के अलावा जवाब दिया है वो सारे फिलहाल क्या है गलत अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी हमें ए और डी में कन्फ्यूजन है तो उनकी भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं आ जाओ टेंशन किस बात की पैसे इसी बात के तो नहीं लिए तुम लोगों से फ्री देख रहे हैं ना फ्री पढ़ो कोई बात नहीं बेटा यहां कहा था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इसका मतलब आप ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पढ़ के चल रहे हो आपने इस बात को नहीं जाना कि मैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब जो अवधारणाओं का विकास है आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आते हैं देखो मेरे दिमाग में रोज तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया होता है अब उस नया करने के चक्कर में मेरे को कभी कभी अपने आप से बुरा फील होता है कि यार ये तो सीखना नहीं चाहते तू इनके लिए क्यों ला रहा है फिर दूसरे टाइम में सोचता हूँ कोई बात नहीं धीरे धीरे बच्चे हैं सीख जाएंगे शुरुआत में तो हर चीज़ के लिए तुम्हें मना करने की आदत ही है लेकिन तुम्हें उस चीज़ की आदत डलवानी पड़ती है तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसने कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सवाल नहीं पूछ रहे थे हमने यहाँ पूछा था कि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कैसे हैं तो मेरे बच्चे वहां पर इमोशनल होके तो क्या सोचा जाना वहाँ कौन सा मेरे को शरीर के वहाँ जिम में जाना है कि वो चाहिए और सोशल डेवलपमेंट तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए बस तुम्हें एक चीज में बता देता हूं तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट वाला जाएगा वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी समझ में आया हा या ना अरे हा या ना बताओ समझ में आया कि नहीं आया जी समझ में आया धन्यवाद सुरेखा नेट तो लगता है ना सर जी ओए हो तो नेट तो तुम वैसे नहीं लगाओगे जैसे मतलब मेरी क्लास के लिए नेट लगा रहे हो फेसबुक पे अपना नहीं देख रहे है ना सर एक क्लास के लिए सुपर चैट सुपर चैट में बेटा तुम लोगों के पैसे लग जाएंगे यार कर तो में उन मेरी कमाई हो जाएगी तुम्हारा नुकसान हो जाएगा फालतू में चलो क्लियर हाँ गया चलो तो सवाल को समझा करो दिखने में छोटे लगेंगे आज के सवाल लेकिन इंटरेस्टिंग है सारे के सारे आज के सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाले हैं बच्चे यहां आता है क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन नंबर 286 कहता है सेल्फ रेगुलाइजर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू मतलब स्ववयनमन विनियमन से क्या तात्पर्य होता है शिक्षार्थियों के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं जवाब दें जल्दी हम समझा देंगे आपको इसके बाद पूछा जा रहा है क्या कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर टू शिक्षार्थियों के स्वव विनियमन से तात्पर्य है व्हाट्सएप पर नेट नहीं बहुत बहुत आनंद जी धन्यवाद तुम जैसे बच्चे हो तो मेरी इज्जत बचा लेते हो है ना बहुत बढ़िया सर एक क्वेश्चन रिलेट करके बता तो दिया अभी रिलेट करके यहां आता है ए जवाब ए ए ए ए डी डी बी ओ ए की तरफ ज्यादा जनता है चलिए पब्लिक के साथ जाना पसंद करूंगा कि मैं नहीं देख लेते हैं सेल्फ रेगलाइजेशन के साथ है ना चलिए ऑप्शन ए डी ओ हो ये तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे हो हाँ। चलिए काम कर लेते हैं यहां कहता है देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग कहता है क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर तीसरा कहता है रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी और लास्ट कहता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल अब देखो यहां जो फंसे थे तुम लोग इस सवाल के साथ तो इसको जरा मैं क्लियर करा दो भाई सबके लिए आ जाओ मेरे बच्चे यहां कहता है सेल्फ रेगुलेशन अब एक बात समझो विनी में समझ लो यहां और विनी में या जो है इसको थोड़ा सा समझ लो थोड़ी देर के लिए कि ये पैसे हैं है ना ये ये रुपीज वाले पैसे हैं ये वाले ठीक है अब बुरा ना माने कहानी है तो कहानी के तरह से समझे ये वाली बात तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मान लीजिएगा एक घर में है ना एक घर में पापा जी अपना कमाते थे भाई और हम बच्चों को सबको पैसे वैसे दिया करते थे तो हम लोगों को मान लीजिए पॉकेट मनी मिलती थी पांच पांच रुपए सबको अब ये पांच पांच रुपए जब मिलते थे तो पापा जी तो सबको पांच पांच रुपए दे दो मान लो घर में चार बच्चे हैं भाई पांच पांच रुपए दे दिए अपने पास जब पांच रुपए आते थे ना तो वो जो पांच रुपए में से एक रुपया भी खर्च करते थे ना और उसके बाद उसे पॉकेट मनी में अपना वो गुल्लक जो हुआ करती थी उसमें डाल लिया करते थे ताकि चार रुपए क्या है बच जाए चार रुपए बचने वाला काम था ना उन्होंने हमारे अंदर एक आदत डाली थी क्या वो आदत डाली थी कि हम ना अपने आप को ना कंट्रोल करते हैं खर्चे में जैसे आपने बहुत बार देखा होगा जैसे बदनाम है लड़कियां तो उन लड़कियों के बदनामी पे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं आपने देखा होगा अगर लड़की किसी के साथ है और कुछ जैसे मैंने WhatsApp पे देखा है आई एम नॉट ऑन दैट पार्ट कि मैंने वो रियल में है कहानी है तो कहानी से समझना बुरा ना मानना तो आपने देखा होगा बहुत सा तो जब उनके साथ कोई है तब तो उस जो मेन्यू लिस्ट होती है ना उसमें बर्गर भी चिली पोटैटो भी फलाना पिज्जा भी ये भी वो भी ढिकाना भी और जब अकेले काम चल रहा अरे यार क्या करना है? चल जाके ना छोले कुलचे खा लेते हैं तो एक तरफ जो छोले कुलचे वाला वो आया तो किसी ने बताया नहीं था है ना तो मेरे बच्चे यहाँ से भी कहता है कि जो बच्चा है ना जब वो उसमें आ जाता है सेल्फ एन वाली बात में सेल्फ रेगुलेशन तो इसका मतलब उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती उसे क्या होता है उन चीजों को अपने आप से ही कंट्रोल करना आ जाता है उसे ये पता चल जाता है कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए तो नीचे जो सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल तो वो जो कंट्रोल है ना जो पिज्जा बर्गर से छो के छोले कुल्चे अटक जाता है तो वो जो कंट्रोल है ना कंट्रोल वही वाला है और ये कहानी क्या है काल्पनिक लेकिन समझाने के लिए आपकी थी जरूरत बोलो समझ में आया कि हाँ कि ना सही कह रहे हो धन्यवाद बहुत बढ़िया धन्यवाद धन्यवाद आया समझ में हाँ कि ना चलो स्वीट वही मानसू सर वाली बात स्वीट स्वीट स्माइली के साथ सवाल को लोक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी तो जिन लोगों ने जवाब दिया बच्चे डी वो बिल्कुल क्या है सही है आया समझ में राइट है बहुत बढ़िया चलिएगा क्लियर चलो फिर आगे बढ़ते हैं नहीं नहीं लड़कियों की इंसल्ट नहीं करी भाई मैंने मैंने बस उनको एक कहानी बताई और मतलब वो भी खुद भी एग्री होंगे काल्पनिक है उसे आप बिल्कुल भी दिल से ना लिया करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये रहा टू जो आपसे पूछना चाहता है क्या द मोस्ट इंटेंस एंड क्रिशियल सोशलाइजेशन टेक प्लस के सबसे गहन और महत्वपूर्ण जो समाजीकरण होता है वो क्या होता है सबसे हाँ महत्वपूर्ण और जो गहन सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है आप के बता दीजिएगा कहा पर ये होता है मैंने खाए छोले कुलचे ठीक है अब छोड़ दो कहानी ऑप्शन के बाद खत्म फिर बाद में याद करना 287 बताइएगा क्या होगा द मोस्ट इंटेंस जो क्रिशियल सोशलाइजेशन किस टाइम पर आपके सामने आता है हाँ तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एडोलशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड और ड्यूरिंग एडल्टहुड सबसे ज्यादा इंटेंस और क्रुशियल टाइम कब आता है ये बिल्कुल सवाल की लैंग्वेज बदली है बच्चे लेकिन जवाब सही आना चाहिए तुम लोगों का जी बढ़िया देखो आज ना हमारे सवाल छोटे होंगे लेकिन आज ना तुम लोगों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड के इस चैप्टर में ना मजा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हारे आंसर से मेरे को पता चल रहा है तुम फील ले रहे हो आज बढ़िया वाली पढ़ने की ऐसे ही पढ़ते रहो बस तुम पढ़ोगे बढ़िया मेरा मूड भी होगा बढ़िया तुम पढ़ोगे घटिया थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत विक्कत ठीक चलो थ्रू आउट बेटा ये तो देखो जिंदगी में हमेशा ये चलेगा अच्छा एक बात बताओ कोई तुमसे पूछे तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है तो कोई मतलब मैं तुमसे पूछूंगी ये वाली बात कि कैसी चल रही है तुम लोगों की लाइफ तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं एग्जाम्पल के साथ इसलिए समझा ताकि समझो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कैसी जिंदगी चल रही है तुम्हारी बढ़िया की बेकार जिंदगी बढ़िया चल रही है बेकार चल रही है में चल रही है सर जी चार लाइक कम है और कोई बात देख लो भाई कौन से चार लोग है जो फ्री में पढ़ रहे हैं लाइक भी नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ ना हाँ, अच्छी चल रही है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बहुत बढ़िया ये हुई बात कुछ लोगों को तो क्या चल रहा है बढ़िया चल रही है कुछ के कह रहे हैं मस्त चल रहे हैं कुछ कह रहे हो सर जी कुछ नहीं चल रहा बहुत टेंशन में हूँ ये वाली बात हो रही फलाना देखो लाइफ तो ठीक ही है जो थोड़ा बहुत टेंशन आ रही है वो नौकरी को लेके होगी देखो तो आगे ना कुछ लोग सर जी बकवास चल रही है ऐसा चल रहा है अरे भाई उनकी सोचो ना जिनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है तो हर जगह जिंदगी ना लम्बे अलग अलग लेकिन आपसे जब सवाल पूछे तो कभी भी किसी भी की जिंदगी ना बेटा पूरी तरह थ्रू आउट द लाइफ क्या करेगा क्रुशल रहेगा ये वाली बात बोलना क्या होगा गलत हाँ अर्ली चाइल्डहुड में इसलिए खराब नहीं होती क्योंकि तब उस टाइम ये नहीं पता चलता कि भैया क्योंकि मम्मी पापा साथ में होते हैं तो तब दिक्कत नहीं होती तो इसका मतलब ये भी इतना क्रेशन नहीं होता ड्यूरिंग एडल्टुड में जब आते हैं तब तक जमा समाज ना इतनी समझ दे चुका होता है कि हम जान जाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है तो इसका मतलब हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम जो होता है वो क्या है ड्यूरिंग एडोलसेंस वाला टाइम है जिसमें हमारे सामने हर कुछ रोज ना नई जिंदगी में कुछ ना कुछ आता रहता है और जब वो आता रहता है तो परेशानी बेटा ब्लर नहीं है स्क्रीन अपनी उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो थोड़ा सा ठीक तो यहाँ ध्यान रखिएगा तो इस सवाल के साथ जो जवाब देंगे वो क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या और देखो सबकी जिंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं ही है वही आशीष जो कह रहा है ना देखने में ला पता नहीं क्या बोल रहा है मैं पढ़ नहीं पाया चलो नया सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 288 देखिएगा 288 क्या जवाब देता है आपसे हेल्पिंग लर्नर्स रिकैप्चुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इंपोर्टेंट बिकॉज़ सीखने वालों की मदद करना या उन्हें जो पहले से सिखाया है उसे याद रखना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है मतलब कि जब मैं तुमसे सैटरडे फ्राइडे वाले दिन मिलता हूं तो पूरे वीक के जो क्वेश्चंस हैं उसका रिकॉल कर लेते हैं तो इसने भी आपसे यही पूछ रहा है कि बच्चे की मदद करना रिकेप्चुलेट याद रखना रिकेप्चुलेट और रिकोल का अगर तुम में से पूछे कि सर ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है तो याद रखना रिकैप्चुलेट ज्यादा अच्छा होता है रिकॉल करना कि बस एक बार अरे उसका नाम क्या था ये वाला लेकिन रिकेप्चुलेट यार वो जो मिला था उसने ये किया था वो किया था फलाना जब सारी चीज को लिंक कर रहे हैं तो तो दोनों वर्ड एक जैसे दिखेंगे बट रिक, बेटर देन तो अगर रिकॉल आ रहा है तो निगेटिव में कभी कभी जा सकता है लेकिन बेटर रिकैप्चुलेट कभी भी निगेटिव में नहीं जाता और री का मतलब क्या होगा दोबारा और अगर हम यहां जा रहे हैं तो क्योंकि हम किसी चीज को दोबारा कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए और अगर जरूरतों के लिए कर रहे हैं तो ये कह देना कि रिलेट न्यू इंॉर्मेशन टू द प्रायर नॉलेज लर्निंग क्योंकि पिछला ज्ञान ज्ञान नए को हमेशा आगे बढ़ा के अच्छे से कर देता अच्छा अगर ये वाला ऑप्शन हो खाली देखो भाई मैं अभी बता रहा हूं कि मैंने कहा ना जिस क्लास में समझाना होगा उसे हम ऐसे लेके चलेंगे जिसमें हमें लगेगा कि तुमको आता है उसमें मल्टीमीटर पे लेके चलेंगे है ना मेटीमीटर सॉरी यहां ना आपके पास ऑप्शन नंबर बी है और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पूर्व ज्ञान के लिए नई जानकारी से संबंधित शिक्षण को जो बढ़ाता है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक चैप्टर आता है टी आर एन एस एफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑफ तो लर्निंग आता है उसमें ये बताओ ये कौन से वाला ट्रांसफर होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो न्यूट्रल होगा बताना जरा पॉजिटिव ऑप्शन नंबर बी को हमने सवाल में कन्वर्ट कर दिया हाथ संध्या जिंदल मेरे को लिखने तो दे बेटा जब तक मैं लिखवानी नहीं तो पड़ेगा कैसे है ना तो ये तो सोचना अब देखो हम आपसे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर दो कि रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू तो द प्रायर नॉलेज एनहेंस लर्निंग अगर ये सवाल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में चला जाता और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपसे पूछ लेते कि ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है तो क्या जवाब होता देखो ये बस फायदा है अब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो क्योंकि क्या कर रहे हो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर रहे हो जोड़ रहे हो और वो उससे सीखेगा तो इसका मतलब ये ट्रांसफर भी क्या होगा पॉजिटिव ट्रांसफर आया समझ में कि हाँ कि ना समझ में आया हाँ या ना जल्दी बोलो आगे चलेंगे फिर चल ही देता हूं तुम तो लेट बोलोगे हाँ या ना पॉजिटिव होगा ठीक है आया समझ में थोड़ा स्पीड से बोलो भाई बहुत बढ़िया चलो हां बोल दिया क्लियर ओके क्वेश्चन आता है 289 आपके आपकी स्क्रीन पर है जवाब देंगे आप लोग ही मैं तो बस आपके सामने सवाल लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर टू इतना आसान सवाल इतनी बार पढ़ा दिया तुम लोगों से बिल्कुल आसानी से 289 आपसे कहता है ये वाली बात कि अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टू अबाउट टू चाइल्ड लर्न बेस्ट सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा सबसे बढ़िया तरीके से कब सीखता है कब सीखता है ए फॉर एप्पल सर जी बहुत बढ़िया ए फॉर अध्ययन मंत्रा बी भी आ गया प्रीति मेरे बच्चे बी कैसे आ जाएगा हद उतरेगी तटस्थ शब्दों का ज्ञान छोटी दो साल की उम्र में किसको हो जाएगा कुछ भी बोल रही लड़की ऐसे कैसे भाई चलो इस सवाल का तो आसान जाए बी यूजिंग ओहो तटस्थ शब्दों का कैसे यूज कर लेगा पता नहीं कौन ये बी क्यों दे रहे बी सी डी की क्या जरूरत है उम्र देख नहीं रहे अरे दो से कहा है दो साल का अभी तक हुआ नहीं पता नहीं इसे अपना वो भी है ना हाँ मुंह खोलने का पता नहीं चला तुम शब्दों की तरफ चले गए उसके ए फॉर आलू चार्ट ये बात चलो फिर नया सवाल इस सवाल का तो जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ टू नाइनटी क्वेश्चन नंबर दो सौ नब्बे आपकी स्क्रीन पर देवियों सज्जनों ये रहा जो आपसे पूछना चाहता है ये कि सीखने का सिद्धांत जो केवल और केवल अवलोकन योग्य के व्यवहार पर निर्भर करता है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है थ्योरी ऑफ लर्निंग टोटलिटी एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर एसोसिएटेड विद टेड विद्योरी ऑफ लर्निंग ऑप्शन आर कोग्नेटिव है डेवलपमेंटल है बिहेवियरिज्म है कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या होगा इस सवाल का सही जवाब अली अहमद कहते हैं सर उसका तो ए ही था इसका बताते हैं जी बताइएगा 290 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ए आ रहा है बहुत बढ़िया स्पीड के साथ प्रतिभा यही जवाब देते हैं मोहित भी सुमित भी अनुराग भी भावना सीमा राधे रूपाली अंकुर श्रेया चलेगा तो इस सवाल का जो जवाब एबीसी में दे रहे हैं बेटा लेकिन तुम्हें तो पता चलना चाहिए क्या है हाँ हाँ ऊपर ही लिखा था सब कुछ बस ध्यान देने वाली बात थी जिन्होंने ध्यान दिया वो पकड़ गए जिन्होंने ध्यान नहीं दिया इन्होंने कहा सीखने का वह सिद्धांत जो केवल और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार अवलोकन करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी पर जाएंगे और वहां जब आपके साथ जाएंगे तो यहाँ पर कौन जाएंगे बेवरिज्म जाता है व्यवहारवाद जाता है जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा दूसरा अवलोक कर रहा है उसी से वो चीजें क्लियर हो रही है कोगनेटिस्ट नहीं था बेटा सी है सी फोर कैट जिन लोगों ने जवाब दिया जैसे सी फोर कोरोना व्यवहारवादी वाला जो बात है वो बिल्कुल क्या है सही ऑब्जर्वेशनल ये वाला ये थे भाई दस सवाल इसके बाद शुरू कर रहे हैं वन लाइनर आज पहले ये बता दो आज ये मैंने देखा ठीक है सी है कोई नहीं छोड़ दो दो समझा अभी फिलहाल ये बता दो, कि आज के सवाल का स्कोर क्या है और आज के सवाल का जो लेवल था आप लोगों को ऐसे सवाल अच्छे रहेंगे तो मैं थोड़े छोटे छोटे लाऊं लेकिन समझ के ज्यादा लाऊं तो अगर ऐसा ही है तो एक बार उसकी लेवल भी बता देना और स्कोर भी अपना जल्दी बताओ फिर वन लाइनर की तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल बेटा वन लाइनर की तरफ बढ़ेंगे फटाफट सोशल लर्निंग थ्योरी बैंडोरा बहुत बढ़िया दस में से दस नो भी आए हैं दुर्गेश कहते हैं सर सी है नो आए बहुत बढ़िया आठ आए हैं बस आज के क्वेश्चंस ना आंसर के हिसाब से इजी होंगे लेकिन समझ के हिसाब से वो कई सारी चीजें इंटरेस्टिंग बना के चले होंगे आप लोगों के लिए क्लियर चलो जिन्होंने बाद में देखा बेटा कोई बात नहीं सर मैंने पांच बाद में दस कर दस अटेंड कर लेना बेटा क्लास के बाद चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने वन वन लाइनर लाइनर की तरफ और ये रहा वन का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर यहां कहता है क्या कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है द रिलेशन ऑफ बेसलेस सेल्फ कॉन्सियसनेस इन द चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट तो बताइए क्या होगा सवाल का सही जवाब लेवल अच्छा था जी धन्यवाद आपसे पूछा जा रहा है यहां पर ये कि जो रिलेशन ऑफ बेसलेस सेल्फ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच स्टेज तो आप बताइए कौन सी स्टेज से जुड़ा होता है ठीक है कल भी ऐसे टाइप के लेके आएंगे हाँ, बहुत बड़ी। आ आ जाओ चलो वन लाइनर पे जाओ फटाफट फटाफट -फट किशोरावस्था जवाब आ रहा है पहला इन दूसरा जवाब दीपिका विशिष्ट कहते हैं कुछ लोग एडोल्स बता रहे हैं गलत भी हुआ है ऐसे ही अच्छा है ठीक है फना राजपूत सतेंद्र जी कहते हैं सर एडोल्स पे जवाब दीजिएगा लेवल इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच चलिएगा तो यहाँ जिन लोगों ने जवाब दिया वो शायद सवाल को जो सेंसरी पे जा रहे हैं इन फैंसी पे जा रहे हैं उन्होंने शायद सवाल को समझा ही नहीं अब एक बात तो सोच के चलो यहाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर आया हुआ है ये वाला आया हुआ है तो क्या ये वाली चीज़ छोटी उम्र के बच्चे में मिलेगी देखो दुर्गेश जी बाकी सारे लोग कितनी जल्दी जल्दी इसका सरफराज है नीलम है नीलम तो सही है खैर मनीषा भी सही है आ, एक दो लोग हैं जो शुरू में हैं प्रवीण गलत हो गए दोस्त सुगंधा जी गलत हैं यहाँ पर चलिए देख लेते हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा बेटा वो है ऑप्शन नंबर ये जो आपका एडोलसेंस किशोरावस्था आपने देखा था उसने सवाल ये पूछा था कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस चिल्ड्रन में रिलेट होती है वो किस स्टेज में डेवलप होती है तो जिन लोगों ने जवाब दिया था किशोरा सुरेखा मैं समझा देता हूं कि जब आपके अंदर ना आपके वाले की हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ मुझे कुछ करना चाहिए ये वाला तो वहां पर जब जवाब देते हैं तो वो किस स्टेज में डेवलप हो जाता है वो क्या है आपका किशोरा अवस्था ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नए डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू सबको पता होगा फटाफट बता दीजिएगा डिसलेक्सिया रिलेटेड है किस चीज से डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू कि डिसलेक्सिया संबंधित है बिल्कुल सही है है ना डिसलेक्सिया संबंधित है किससे अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा बेटा छोड़ दो आ आ। हाँ तो आधार ठीक तो था बेस था वो ठीक है नंबर टू रीडिंग अरे डिसलेक्सिया ठीक है किसी ने राइटिंग लिख दिया हो तो एल से तुम्हें पता ही था ना रीडिंग आसान सवाल था डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्या होगा रीडिंग अगला सवाल देखो ये क्या है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंसर्टेड इन विच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड कि श्यामपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में आपसे क्या है अंतर्मुक्त किया जा सकता है किस में लिया जा सकता है शाम पट मतलब जो आप ब्लैक बोर्ड लेते हैं या व्हाइट बोर्ड लेते हैं आप उसे टीचिंग के उसमें कहाँ रिलेट करके ले सकते हैं किस चीजों के साथ एड कर सकते हैं टीचिंग में टीचिंग एड्स में ब्लैक बोर्ड को क्या स्थान दिया जाना चाहिए यह बताइएगा रीडिंग इज राइट ठीक है ठीक है ठीक है आगे आ जाओ बढ़ते चलो जल्दी पठन विखार हो गया नया सवाल देखो आपके सामने आ रहा होगा ये टीचिंग एड से रिलेटेड सवाल है कि श्यामपट को आप किस चीज में ले सकते हैं किस टाइप के एड्स में ले सकते हैं मतलब आप उसे ऑडियो एड्स में ले सकते हैं विजुअल में ले सकते हैं किस में ले सकते हैं बहुत बढ़िया शाबाश ये हुई ना एक साथ बात आते हुए क्योंकि इस पर दिखेगा और जो दिखेगा तो वो वाले जो टीचिंग एड्स होंगे उसमें क्या होगा विजुअल तो जिन लोगों ने विजुअल दिया बिल्कुल सही है दृश्य साधन वाले आप टीचिंग एड्स में उसे ले सकते हैं परफेक्ट है बेटा चलिएगा नया सवाल है आपके सामने इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस हेरिडिटी इज कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो पोजीशन है वो क्या होती है कम होती है ज्यादा होती है बराबर होती है नाम मात्र की होती है क्या होती है आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा श्यामपट में ऑडियो कैसे आ जाएगा मतलब ब्लैक बोर्ड में ऑडियो कैसे ले लोगे तुम तो? कुछ भी सवाल आता है ये वाला कि इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस हेरिडिटी इज आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व और बुद्धि में हेरिडिटी का क्या स्थान है ज्यादा है कम है या कुछ भी नहीं है क्या है फिफ्टी परसेंट निगम कहते हैं इक्वल 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 स्टेटिक कहते हैं गुणात्मक बोलते हैं इक्वल बोलते हैं हाँ, बस आगे ना भाई मेरे को पता था क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता रहता होगा कि देखो भैया हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उसका रोल कितना है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है तो तुमने फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तो सर जी इक्वल होगा बिल्कुल पर तुम्हें सवाल तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि सवाल पढ़ोगे सारे के सारे एक तरफा गलत हो सारे गलत हो इन्होंने कहा इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि में आपकी हेरिडिटी कुछ मतलब 50 परसेंट काम करेगी जो दिमाग आपके पापा मम्मी का वही दिमाग आपका काम करेगा बिल्कुल बहुत इक्वल आ जाएगा मतलब यार कुछ तो समझो सवाल को बस उसमें देखा नहीं ये थोड़ी ना कहा कि इसने ये कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या काम करती है सवाल तो देख लो एक बार अच्छे से सवाल देखा नहीं हो गए चालू वहीं के वहीं तो इक्वल भैया याद रखिएगा इंटेलिजेंस में आपका इन्वायरमेंट तो काम करेगा ज्यादा हैरिडिटी कैसे करती है इंटेलिजेंस के साथ ज्यादा होती है आगे तिरक है ना डोंट नो ये लो सवाल का जवाब क्या नोमिनल होती है बिल्कुल याद रखना रोल ऑफ नाम मात्र की भूमिका होती है आपके इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनैलिटी में हेरिडिटी की समझ नहीं आया तो समझा करो सवाल को लैंग्वेज तो वही है हेरिडिटी में क्या जाओगे बुद्धि काम करेगी मतलब जो उस चीज की थी वैसी आ जाएगी चलो स्टेटिक वाली बात हटा देते हैं नाम मात्र की होती है धनराज बिल्कुल सही है भाई ज्यादा होती है ले फिर आ गया क्लियर लैंग्वेज अजीब नहीं मनीषा कुमारी वही है कुछ शब्द ऐसे ही आएंगे बेटा सोचने वाले हैं नॉमिनल होती है चलो अगला देखो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेन रेफरिंग टू द ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो किस चीज की बात क्या है सबसे जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बताइएगा क्या है आपसे पूछा जा रहा है जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कोई नहीं हो जाने दो क्लियर रजनी कुमारी हम कूली है मेरे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है इसमें कुल होट होने वाली बात हो रही है हम ही है ठीक है चिंता ना क्या करो इतने नहीं गुस्से ना करे जो हमारा आंख हमें हम पे रहने दो यार बिल्कुल इसमें क्या है अच्छी लिखावट होनी चाहिए या फिर क्या है राइटिंग जिसे आप बोलेंगे बहुत बढ़िया अच्छी लिखावट है ठीक है क्लियर एकदम फेस सामने हो ओहो बच्चे का ध्यान हो वाह 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 टीचर की पोजिशन भी देखोगे ओहो अरे भैया ब्लैक बोर्ड पर पूछा था ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग साफ होनी चाहिए देखो क्या क्या सवाल लिखते हो तुम इससे खैर वन लाइनर से ये तो पता चल जा रहा है तुम लोगों के अंदर क्या क्या चलता रहता है ठीक चलो आगे देखो आसान सवाल पूछ लिया किसने कि व्यक्तित्व का 16 पीएफ नियम किसने दिया 16 पर्सनालिटी फैक्टर इज गिवन बाय बताओ किसने दिया जवाब आपसे पूछा जा रहा है 16 पीएफ फॉर्मूला किसने दिया है क्लियर राइटिंग हो गया बेटा वहां सही है अगला जवाब देखो हाँ स्टैंडिंग का पोजिशन यू आएगा यू वाला आ जाओ भैया करते हो तुम भी चलो मैकडुअल अरे भाई स्किनर भी आ गए वो वाह 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 वा। गिल्ड भी आ गया ओए होए मैसलो भी आ गए शाह मरे भी आ गए चलो शुक्र है कुछ लोगों ने सही दे दिया जवाब एक दो तो प्याजे भी ले लेगा ले एक दो थोड़ी देर में नाम हाँ आरबी कैटल साहब ने दिया था ये रहा येटल साहब है हैटल है आप जो ले रहे हैं वही है आगे देखो नासान सवाल है बिल्कुल एकदम फोर स्पेसिफिक डोमेन ऑफ ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चिल्ड्रन गिवन बाय बच्चे के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कि आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करने वाले विद्वान का नाम क्या है बताइएगा जल्दी बस तो उन्हें जिंदगी में एक चीज चलनी कि चार जहां स्टेज आ जाए वहां पर कौन आएंगे प्याजे साहब आएंगे चलिए खैर ठीक है इसमें तो कोई सोच नहीं जा रही जीन प्याजे सही ये बेटा आगे देखिएगा ये क्या है डिस्कैल्कुलिया इज कंसर्न बता दो आसान सवाल है डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है डिसकैल्कुलिया का संबंध किससे है स्किन लक्ष्मी इस, आहारिश स्किनर जवाब दे रहे थे उसका ओए होए मोदी जी भी आ गए शाबाश कोई बात नहीं है लाइक करके जाओ ऐसे निकल रहे कैसे आकाश क्या चल रहा है आ? कम है कोई नहीं भाई ये तो बिना कहे तो कुछ कर ही नहीं सकते हम ही हैं बिना कहे इनके लिए क्वेश्चन लेके आ सकते हैं चलो कैलकुलेशन किससे जुड़ा हुआ है मैथ से जुड़ा हुआ है देख लेते हैं मैथ सही है कि नहीं है है ना चलो यहां देखो तो इस सवाल का जवाब बेटा कैलकुलर तुम्हें पता ही है मैथ से होगा तो चल लेते हैं अंकिन in मतलब होता है कोई आपसे पूछता है शिक्षा में समावेशन का मतलब क्या होता है या इंक्लूसिव जो आप जानते हैं समावेशी उसको भी ले सकते हैं यहाँ पर बता दीजिएगा क्या होगा समावेशन का मतलब यहां पर ऑप्शन कुछ भी नहीं है क्या होता है टीचिंग में जब इंक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बहुत बढ़िया बेटा जिसने लाइक कर दिया धन्यवाद चलो जल्दी जवाब दे दो जल्दी जवाब दे दो इसका सबको लेकर चलना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबको लेकर जो चलना है वो ठीक है बेटा ब्लैक बोर्ड पे स्टैंडिंग पोजीशन से ज्यादा है अब कोई खड़ा हो जाए ऐसे लो ये हो गया खड़ा और उस पर कुछ लिखा ना हो तो क्या फायदा है है ना तो स्पष्ट राइटिंग सामने वाले को समझ में आ जाए तो सभी विक्षार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना क्या है इंक्लूशन जो टीचिंग सब बहुत बढ़िया आखिरी देखिएगा क्या है आज का दस आरबी कैटल लिक्विड इंटेलिजेंस इज कम्पेरेबल आरबी कैटल की तरन बुद्धि तुल्य है किसके साथ तुल्य है ये तुम्हें समझ में आएगा तब जब इसका जवाब आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछ ही रहा हूं ये बता दीजिएगा कि आरबी कैटल का जो लिक्विड इंटेलिजेंस है वो किस पे बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है बहुत बढ़िया चलो एक साथ सिखाना है सही है आरबी कैटल का बता दो जरा लिक्विड इंटेलिजेंस वाला किस पे बात करते हैं ये किस पे बात करते हैं आगे आगे फ्लुइड इंटेलिजेंस थ्योरी पे बात करते हैं हेरिडिटे पे बात करते हैं ये एक दो बच्चे तो बिल्कुल ऐसे कमाल के हैं शाबाश बहुत बढ़िया है वो पढ़ते हैं सीरियसली ना, factor, है ना हेरिडिटी फैक्टर बहुत बढ़िया जिनको नहीं पता हो वो देख लेना हाँ ग्रुप इंटेलिजेंस फलाना इनसाइट साइट कुछ नहीं है ये नो no आइडिया है तो बेटा इसको लिख लेना वो किस पे हैरिडिटी फैक्टर पर बात करते हैं किसके साथ सिक्सटीन उस पे फ्लू एंड क्रिस्टलाइज पे ये था भाई आज की क्लास मेरी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी धन्यवाद आपका बने रहने के लिए और धन्यवाद आपके के लिए और मेरे गुस्से को स्वीकार करने के लिए ऐसे ही बने रहेंगे आप लोगों के साथ कुछ नई क्लासेस के साथ शाम को नौ बजे मिलेंगे किसमें साइंस पैडाकोजी क्लास और उसमें करेंगे किसका मेंटीमीटर मेंटीमीटर के साथ तो का कोड आपको पहले ही दे दिया जाएगा ताकि दिक्कतें ना हो तो मिलेंगे आज क्लास में किसमें शाम को नौ बजे और उसके बाद रात को दस बजे फास्ट फाइव आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत नमस्कार तो जय सर आप आ चुके हैं चला ठीक है आज के लिए इतना भी ओके बाय बाय टेक केयर जय हिंद